नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें। एलओसी पर हरकत हुई तेज, दुश्मनों से निपटने की तैयारियां परखी गई। सेना प्रमुख पहुंचे एलओसी, सैनिकों को दिए कड़े निर्देश। नई सरकार बनने के बाद आतंकी गतिविधि हुई तेज, 300 करीब आतंकी एलओसी के पास बैठने की जानकारी। दूसरी बड़ी अपडेट अमेरिका में भारत का डंका बजा, विदेश मंत्री बने पहले विदेश मंत्री जिन्होंने गजब की डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया हुई कायल। भारतवंशियों ने भी जमकर गदगद, वो हम आपको बताएंगे। तेल खरीद पर फिर से अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, कश्मीरी राजपूतों को निशाना बना रहे आतंकी, जम्मू कश्मीर में किलिंग टारगेटेड के चलते लगातार घाटी छोड़ने को तैयार मजबूर हैं लोग, वो हम आपको बताएंगे। आतंकी बनने के बाद कोई 5 दिन तो कोई 36 दिन बाद जा मिला 72 होड़ों से, वो भी हम आपको बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाबा साहब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि, कहा उनका विजन वो ब्लूप्रिंट जो मार्गदर्शन करता है वो भी अमेरिका में कैसे बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर विदेश मंत्री ने की बातें, वो हम आपको बताएंगे। चाइना में COVID-19 बेतहाशा वृद्धि हो रही है। वहीं रूस, बड़ी खबर निकल के आ रही है, सांकेतिक हार, काला सागर में यूक्रेन ने दागी मिसाइल, डूबा रूसी युद्धपोत और खतरनाक सिचुएशन युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। वहीं एरूशलेम में अलक्सा मस्जिद के बाहर इजरायली पुलिस व फलस्तीनियों में हुई झड़प, 117 जख्मी, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच चाइना ने शहबाज शरीफ को इमरान खान से बेहतर पीएम बताया, इमरान खान को चाइना ने दिया झटका, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, उत्तरी कमान पहुँचे एलओसी पहुँचे चीफ, दुश्मनों से निपटने की तैयारियाँ भी जांची गई है। और आपको बता दें एलओसी करीब 400 करीब आतंकी 300 के करीब आतंकी जो है लॉन्चिंग पैड पर बैठे हैं, और इसको लेकर जवान तैनातों ने हौसला बढ़ाया। दरअसल उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुरुवार को एलओसी के सुंदरबनी और पालवाला इलाके में अग्रिम चौकियों का दौरा कर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। दरअसल खुफिया रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पर आतंकी जो है वो घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं, और 300 के करीब जो है आतंकी इस इलाके में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें घुसपैठ को रोकने के लिए नाकाम करने में निपटने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस बीच उत्तरी कमान प्रमुख को स्थानीय सैन्य कमांडरों ने नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति, संचालन संबंधी तैयारियां और पाकिस्तान व आतंकवाद के मंसूबों को विफल करने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी है। उनने एलओसी पर सुरक्षा व्यवस्था प्रबंधन और घुसपैठ निरोधक ग्रिड की मजबूती कर जवानों को बधाई दी है, ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने एलओसी पर पाकिस्तान की घुसपैठ को भी नाकाम करने के लिए नए तरीके की तैयारियों और इंतजाम की बात कही है। एलओसी पर 300 के करीब जो है आतंकी लॉन्चिंग पैड पर बैठे हुए, इसकी जानकारी सेना को मिली है, और उनको कैसे तबाह किया जाए इसकी भी तैयारियां हो चुकी हैं। एक और अपडेट लेते हैं, अमेरिका को ऐसी किसी से नहीं झाड़ा, ऐसा किसी ने नहीं झाड़ा था जितना जयशंकर ने करारा जवाब दिया एक के बाद एक। अब तेल खरीद पर जयशंकर ने दो टोक जवाब दिया, दुनिया भर में भारत का बजा डंका, विदेश मंत्री पहले विदेश मंत्री साबित हुए। रूस से तेल खरीद पर चल रही बहसबाजी के बीच अमेरिका में 2+2 बैठक में भारत के रुख की सही ठहराया गया है। जयशंकर ने कहा है कि यूरोप जितना तेल दिन में रूस से खरीदता है, भारत एक महीने में उतना तेल नहीं खरीदता है। पहले यूरोपीय देशों पर प्रतिबंध लगाए जाए, पहले यूरोपीय देशों पर शिकंजा कसा जाए। भारत जिस तरीके से रणनीति अपनाए हुए है, भारत पर किसी भी तरीके का दबाव प्रभाव काम आने वाला नहीं है। आपको बता दें एक मुद्दे पर विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में करारा जवाब दे दिया है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एमएस जयशंकर ने बाबा साहब अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि दी, कहा कि उनका विजन ही वो ब्लूप्रिंट है जो मार्गदर्शन चाहता है। इसके साथ ही अमेरिका में इस बार 131वीं जन्म जयंती जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मनाई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मुख्य अतिथि पर रहे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, जम्मू कश्मीर में अब कश्मीरी राजपूतों को निशाना बना रहे आतंकी, टारगेटेड किलिंग के चलते घाटी छोड़ने को मजबूर। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का दंश झेल चुकी घाटी में अब कश्मीरी राजपूतों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर में अल्पसंख्यक राजपूत दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों द्वारा अपने एक सदस्य की हत्या के लिए कश्मीरी पंडितों के साथ अपने समुदाय को जोड़ने का आरोप लगाया है। कुलगाम जिले की काराकारम गाँव में आतंकियों ने राजपूत सतीश कुमार सिंह को गोली मार हत्या कर दी थी। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। आपको बता दें
राजपूतों ने इस हत्या का विरोध किया। बाद में स्थानीय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनकी सुरक्षा की आजीविका संबंधी चिंताओं को दूर किया जाएगा, जिसके बाद से उन्होंने शवों का अंतिम संस्कार किया। दैनिक ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक समुदाय के नेताओं का कहना है कि राजपूत समुदाय 150 से अधिक वर्षों से कश्मीर में रह रहा और उनको कभी भी मुसलमानों से किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें आतंकी बनने जा रहे कोई 5 दिन तो कोई 36 दिन बाद जा रहा 72 हुड़ों के पास, सेना ने दी जानकारी। दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंक की राह पर तो लोग उतर जा रहे हैं, युवा उतर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही वो उतर तो जा रहे हैं लेकिन उसके बाद कभी कोई 5 दिन तो कोई 36 दिन में 72 हुड़ों के पास भेजा जा रहा है। आपको बता दें दक्षिणी कश्मीर के बांदीगांव सोपिया में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर एक तलाशी अभियान चलाया था और तलाशी अभियान कुछ ही देर में मुठभेड़ में बदल गई थी। ताबड़तोड़ आतंकियों का सफाया जारी है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और रशिया को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। काला सागर में डुबा दी यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत, यूक्रेन के मिसाइल हमले से हुआ बड़ा नुकसान। क्या रूस यूक्रेन के आगे कमज़ोर पड़ रहा है? क्या रूस इस जंग में हार के मुहाने पर पहुंच गया है? इन सवालों के जवाब भले ही भविष्य के गर्त में हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रूस सांकेतिक रूप से ये युद्ध हार गया है। दरअसल रूसी नौसेना सबसे महत्वपूर्ण युद्धपोतों में से एक गुरुवार को काला सागर में डूब गया। इसे रूस के लिए सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूसी युद्धपोत को बहुत नुकसान हुआ और इसके बाद चालक दल के सभी सदस्यों को नीचे उतरना पड़ा है। गुरुवार शाम रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्को डूब गया है। रूस ने युद्धपोत पर यूक्रेनी हमले का खंडन किया है। रूस का कहना है कि युद्धपोत आग लगने के कारण डूबा है। हालांकि यूक्रेन की ओर से पहले ही दावा किया जा चुका था कि उसकी सेना ने युद्धपोत पर मिसाइल से हमला किया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर से ताबड़तोड़ मिसाइल दाग रहा है यूक्रेन और रशिया को ये खतरनाक और घातक हमला लगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, एरूसलम में अलास्का मस्जिद के बाहर इजरायली पुलिस व फलस्तीनियों में हुई झड़प, 117 जख्मी। दरअसल आपको बता दें एरूसलम की ओल्ड सिटी में स्थित एक अल अक्सा मस्जिद में रमजान की नमाज अदा करने के बाद शुक्रवार सुबह इजरायल की पुलिस और पत्थरबाजी करने वाले फलस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। हिंसक घटना में जख्मी हुए 7 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना के मद्देनज़र वहाँ तनावपूर्ण हालात हैं। जुमे की नमाज के बाद हिंसा के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। मस्जिद का प्रशासनिक कार्य संभालने वाली संस्था ने बताया है कि आज सुबह की नमाज के तुरंत बाद ही मस्जिद में इजरायली पुलिस ने प्रवेश किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहाँ शहबाज सरकार के हाथ में परमाणु हथियार नहीं है, सुरक्षित इमरान ने किया दावा। पाकिस्तानी आर्मी ने पूर्व पीएम को सुनाई खरी खरी। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की परमाणु संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार को इमरान के दावों को खारिज कर दिया है। पेशावर में एक रोड शो के दौरान इमरान ने सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार लुटेरों और चोरों के हाथों में सुरक्षित है। दरअसल नव निर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार का जिक्र कर रहे थे। इमरान को हाल ही में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया था। वहीं आपको बता दें एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इख्तियार ने इमरान के आरोपों को खारिज करते हुए पाकिस्तान के परमाणु संपन्न सिर्फ एक व्यक्ति को संबोधित किया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत में रोहिंग्या मुसलमानों ने बनवा रखा है आधार कार्ड, घुसपैठ से भी लेकर जरूरी दस्तावेज तक हासिल कर रखें। दरअसल आपको बता दें भारत में रोहिंग्या मुसलमानों का आधार, घुसपैठ से लेकर जरूरी दस्तावेज तक पूरे शामिल कर दिए गए हैं। म्यांमार की सीमा पर प्रहारियों के बीच बचते हुए घने जंगलों से होकर हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान उत्तरी पूर्वी राज्य सिक्किम और मिजोरम में भारत के अंदरूनी हिस्सों को रोक कर चुके हैं और कह रहे हैं कि इन्हें रोकने के लिए काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियाँ भी होती रही हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले रोहिंग्या उत्तरी पूर्व में बंगाल, असम, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल सीमा तक पहुंच रहे हैं और लगातार रोहिंग्या अपने मकसद में कामयाब होते चले जा रहे हैं।
पहले आधार कार्ड बना रहे हैं, फिर देश पे कब्जा कर रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 91 दिन काला सागर में डूबा रूसी जहाज, थे परमाणु हथियार, बाइडेन भी जा सकते हैं कि बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन की नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल ने गुरुवार को रूस के एक युद्धक जहाज को निशाना बनाया। हमले के कुछ घंटे बाद ही रूसी जहाज काला सागर में डूब गया। दोनों मुल्कों के बीच तनाव लगातार चरम पर बढ़ गया है। इस बीच बड़ी खबर ये निकल के आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन और क्यू में वो जल्द ही आपको दिख सकते हैं। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अनुसार यूक्रेन में मिल रही पराजय को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का सहारा ले सकते हैं। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्म्स ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और रूसी नेतृत्व की संभावित हताशा को देखते हुए हममें से कोई भी सामरिक परमाणु हथियारों या लो ईल्ड परमाणु हथियारों, लो सील परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरे को हल्के में नहीं ले सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि कम मानक क्षमता वाले परमाणु हथियार जो है वो रशिया गिरा सकता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां वादों से मुकर्रा तालिबान पाकिस्तान को हथियार की कर रहा तस्करी, भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ रहा है। तालिबान ने वादा किया था कि अफगानिस्तान में उनकी वापसी पर वो देश की ज़मीन या हथियारों के आतंकवाद के इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन अब वो तालिबान अपने वादों से मुकरता नजर आ रहा है। दरअसल तालिबान पर आरोप है कि वो पाकिस्तान को हथियारों की तस्करी कर रहा है। इन हथियारों को इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैनिकों के पिछले साल अफगानिस्तान छोड़कर जाने के बाद बड़ी मात्रा में हथियार पीछे रह गए। तालिबान इन्हीं हथियारों को पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने कहा है कि तालिबान इस बात पर जोर दे रहा है कि रूस भी हथियार की तरक्की को रोकने के लिए उचित सुरक्षा जांच की जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि उससे पहले से बदल चुका है इससे, लेकिन कहा है कि लेकिन हथियारों का बाजार फल फूल रहा है। जिन हथियारों की पाकिस्तान में तस्करी की जा रही है उनका भारत के खिलाफ सीमा पार से होने वाली झड़पों में इस्तेमाल किया जा सकता है या उन्हें भारत में भेजा जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान को हथियारों की अवैध तस्करी पर नियंत्रण नहीं करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस को लगा बड़ा झटका, रूस के रक्षा मंत्री को पड़ा दिल का दौरा। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच पुतिन को एक और बड़ा झटका लगा है। रक्षा मंत्री सर्गेई सोइंग को पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है, इसके कारण भी प्राकृतिक नहीं बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के लिए 20 जनरलों को गिरफ्तार भी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी सहयोगी रहे शोइगु पिछले कुछ हफ्ते से लापता हैं। रूसी इसराइल के व्यवसायी लियोनिद ने पुतिन और उनके करीबी सलाहकार और सैन्य नेताओं के बीच एक बड़ी दरार के बारे में सनसनीखेज दावा भी किया है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन आक्रमण शुरू करने के 2 दिन पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया था। वीडियो में पुतिन रूस के विदेश मंत्री और खुफिया सेवा के प्रमुख सर्गेई डोनेस्क तुरंत को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता पर अपने रुख के बारे में स्पष्ट से बोलने के लिए कहते हुए देखा गया था, और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं वीडियोज जो है वायरल हो रहे हैं रूस और रक्षा मंत्री के बीच टकराहट की। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। चाइना में रिकॉर्ड तोड़ रहा है COVID-19, एक दिन में 24,000 ज़्यादा मामले, संघाई में लॉकडाउन फेल, भूख से बेहाल हो रहे हैं लोग। दरअसल आपको बता दें, चाइना में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3400 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 2700 ऐसे मामले का भी पता चला है जिनमें मरीजों में कोविड के कई लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं। संक्रमण के अधिकतर मामले संघाई में आए हैं, जहां पिछले 2 सप्ताह में महामारी के प्रसार को काबू में लाने वाले लॉकडाउन जारी हैं। स्थानीय लोगों में भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। चीन में बृहस्पतिवार को मुख्य तौर पर संक्रमण के 3472 मामलों का पता चला है। ये मामले स्थानीय तौर पर संक्रमण से हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां भगवा JNU, जी हां, नॉन बोएज विवाद पर अब हिंदू सेना ने JNU गेट पर लगाए भगवा झंडे और पोस्टर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में रामनवमी के दिन झगड़ा भी शांत नहीं हुआ था कि अब JNU के बाहर रोड और मेन गेट के करीब भगवा झंडे लगा दिए गए हैं। इस पोस्टर पर भगवा JNU लिखा गया है। बताया जा रहा है कथित तौर पर यह पोस्टर और झंडे हिंदू सेना द्वारा लगाए गए हैं। हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्त ने कहा है कि भगवा JNU वाले पोस्टर दक्षिणपंथी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
सुरजीत सिंह यादव द्वारा लगाए गए हैं। व्हाट्सएप पर प्रसारित एक वीडियो में गुप्ता को कथित तौर पर हिंदी में ये कहते हुए सुना जाता है कि जेएनयू परिसर में नियमित रूप से भगवा का अपमान किया जा रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां यूपी में आईपीएस के बाद अब आईएएस का ट्रांसफर मेरठ बरेली समेत 6 जिलों के डीएम बदल लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। देर रात 14 आईपीएस अफसरों के तबादले शुरू हो गए थे और कई जिलों के पुलिस का कप्तान बदल दिए गए थे। अब कई जिलों के जिलाधिकारी यानी डीएम बदल दिए गए हैं और मेरठ, संभल, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, देवरिया, रायबरेली में नए डीएम की तैनाती की गई है। सिद्धार्थनगर के डीएम रहे दीपक मीणा को मेरठ का नया डीएम बना दिया गया है। योगी सरकार के रायबरेली के डीएम वैभव श्रीवास्तव को प्रतीक्षारत किया गया है। उनकी जगह पर माला श्रीवास्तव रायबरेली को नई डीएम बनाई गई हैं। इसके अलावा दीपक मीणा को मेरठ का नया डीएम बनाया गया है। नेहा जैन आईएएस को अब कानपुर देहात की नई डीएम होंगी। जितेंद्र प्रताप सिंह को देवरिया का नया डीएम बना दिया गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूएई में पाकिस्तानियों की इस हरकत पर उनके ही दूतावास ने दी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में पाकिस्तानियों की हरकतों के कारण उनके ही देश के दूतावासों ने सख्त चेतावनियाँ दी हैं। यूएई में पाकिस्तान दूतावास ने अपने देश के नागरिकों से कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र अमीरात के कानूनों से कड़ाई से पालन करें, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरअसल दुबई में हो रहे पाकिस्तानी नागरिकों में इमरान खान के समर्थक और शहबाज शरीफ के विरोध में रैलियां की गई थी। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें एक और, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भुजवासी गुजरातवासियों को 200 बेड वाले हॉस्टल तोहफा, बोले 10 साल में देश को मिलेंगे रिकॉर्ड डॉक्टर। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के भुज को बड़ा तोहफा दिया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भुज के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। 200 बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल का निर्माण श्री कक्षी लेवा पटेल समाज की ओर से किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये 200 बिस्तरों वाला कक्ष का पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पीएम ने हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद जनता को संबोधित भी किया। मोदी ने कहा है कि भूकंप से मची तबाही को पीछे छोड़कर भुज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम और इस क्षेत्र को नया भाग लिख रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां खरगोन में दंगों के लिए हुई थी फंडिंग, पीएफआई कनेक्शन की जांच में जुटी मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश के खरगोन रामनवमी पर हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर एमपी पुलिस ने नए एंगल पर जांच शुरू कर दी है। खरगोन के कार्यवाहक एसपी रोहित काशवानी ने गुरुवार को कहा है कि वो इस बात की जांच करेंगे, शहर में हुए दंगों को किसी बाहरी एजेंसी या संगठन ने फंड किया है या नहीं। 2017 बेंच के आईपीएस अधिकारी काशवानी कुछ संगठनों द्वारा खरगोन दंगों को फंड किए जाने से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कर रहे हैं, अगर वे तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। काशवानी ने दंगों के पीछे पीएफआई संगठन की भूमिका के सवाल पर पत्रकारों से कहा है कि दंगों में पीएफआई की कथित संलिप्तता और फंडिंग मामलों की जांच की जाएगी। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, आपको बता दें, जहां देश भर में लगातार हालात बेहद ख़राब हैं, कोयले की कमी हो सकती है क्योंकि तेज़ी के साथ गर्मी बढ़ रही है और बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं एक तरीके से चुनौती बन चुका है। कोयला संकट भी फिर मंडराने लगा है। देश में एक बार फिर कोयले का संकट गहराने लगा है क्योंकि कई राज्यों ने कोयले की कमी की बात कही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में कोयले की कमी से जूझ रहा है। इस वजह से इन राज्यों में बिजली संकट का पैदा होने वाला है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने अभी मान लिया है कि देश में कोयले की किल्लत हो रही है। हालांकि सरकार ने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हालात से निपटने के लिए जरूरी